हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि कौन से शंख बैन हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियर अबाउट 95 to 98% ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि कौन से शंख बैन हैं और कौन से शंख बैन नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप में से अगर कोई सीशेल का, मतलब जिसे पैशन हो सीशेल कलेक्ट करने का, या किसी का कोई फ्यूचर प्लान है सीशेल शॉप खोलने का या शंखों का दुकान या ऐसा कुछ सीशेल आइटम्स का बिजनेस करने का कोई प्लान हो, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जानकारी रखना ज़रूरी है कि कौन से आइटम्स बैन हैं, ताकि आप प्रॉब्लम में ना हो, क्योंकि लीगल एक्शन आपके खिलाफ़ हो सकता है अगर आप पकड़े गए तो। मैंने पिछले अपने वीडियोस में दिखाया था कि जो पांचजन्य शंख है, जिसे गोमुखी शंख भी कहते हैं, वो एक बैन है। आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने पांचजन्य शंख दिखाया है कैसे दिखता है वो। देन पंचमुखी शंख है, पंचमुखी शंख में भी दो वैरायटी है, जो एक बैन है एक बैन नहीं है। तो ये जो छोटा शंख है, ये तकरीबन 8-9 इंच का होता है, ये बैन नहीं है, ये लैम्बिस लैम्बिस है। और जो बड़ा होता है, तकरीबन 12-13 इंच तक वो बड़ा होता है, और उसका जो पेट का जो विड्थ होता है वो लगभग इतना बड़ा होता है, उसका वाइडनेस बहुत बड़ा होता है, तो वो बैन है। वो लैम्बिस ट्रनकाटा है, वो बैन आइटम है। और भी बहुत सारे शंख आइटम है, मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, वो लिंक को आप ओपन करिएगा तो आपको शंखों की लिस्ट मिलेगी, कौन से शंख बैन है विथ फ़ोटो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो दिखने में कैसा होता है। तो ये एक है, पांचजन्य हो गया, गोमुखी जिसे कहते हैं। देन मोती शंख आपने सुना होगा, मोती शंख जो बड़ा वाला होता है वो बैन है। फिर देवी शंख है एक, जिसे फैसिलेरिया ट्रपेजियम कहते हैं, और अन्य ऐसे बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे स्पेशीज आपको दिख जाएंगे फ़ोटोज़। वो लिंक में आप जब खोलोगे तो लैम्बिस की कई प्रजाति है, जिसमें बैन आइटम्स बहुत सारे लिस्ट है। लैम्बिस एक ट्रनकाटा जो बड़ा वाला है इसके जैसा दिखता है, और एक लैम्बिस चिराग्रा है, वो उसे छठमुखी कहते हैं। और भी कई सारे ऐसे कौड़ी है, फिर कोरल्स आप जिसे देख सकते हैं, जैसे इंद्रजाल आपने सुना होगा, वो भी बैन आइटम्स में आता है। और भी बहुत सारे ऐसे ऑयस्टर्स है, सीपी है, वो भी बैन है। तो जस्ट एक जनरल आपको अवेयर करना चाहता था मैं, कि आप में से बहुत से लोग शंख, ऐसे शंख लीजिए जो बैन नहीं है, और प्लीज़ आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए ताकि मरीन इकोसिस्टम वेल बैलेंस्ड रहे। उससे, क्योंकि बहुत सारे शंख ऐसे जो बैन आइटम्स, बहुत सारे लगभग बल्क क्वांटिटीज़ में एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, काफ़ी समंदर से बहुत सारे क्वांटिटीज़ में शंख निकलता है। तो शंख जिससे बनता है कैल्शियम सॉल्ट उसका, और लाइमस्टोन, वो उसका समंदर में शंखों का रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक फ्लोरा एंड फौना मेंटेन रखता है, इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है। यदि आप ढेर सारे शंख ऐसे निकालते गए तो मरीन जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एक्वेटिक्स लाइफ जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसी की वजह से बहुत सारे शंख बैन कर दिए गए हैं, और आगे चल के आप देखोगे कि बहुत सारे और ऐसे कुछ कुछ टाइप्स है जो इंक्लूड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पद्म शंख भी चांसेस है कि वो बैन हो जाए, क्योंकि वो भी ऐसे, आप ऐसे छोटे छोटे दुकानों में जाइए आपको दिख जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो इतना हैवी क्वांटिटी में निकलता है, वामावर्ती पद्म शंख, विष्णु शंख जिसे कहते हैं, कि वो भी ऐसे अगर चलता रहा तो आगे चल के उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी बैन हो जाए। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसा, मतलब, कंट्रोल करें कि उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है, उन्हें भी जीने का हक है, मोलस्क जिसे कहते हैं शंखों को, स्नेल्स को। तो जितना हो सके कम रहा तो अच्छा ही है, लेकिन क्या करें, अभी सीशेल जो इंडस्ट्री इतनी वाइड, मतलब इतना फैल गया है, इतना स्प्रेड हो गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया,
अभी जैसे गौमुखी शंख जो है, जिसे पांचजन्य शंख कहते हैं, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, अधिकतर कंट्रीज़ में उसे बैन कर दिया गया है, इंक्लूडिंग फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भी ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है जहाँ पे उसे बैन कर दिया गया है। तो नॉट जस्ट इंडिया, बहुत से कंट्रीज़ अभी आगे आ रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इन शंखों को, इन जो ये जो सी स्नेल्स है, जो मोलस्क है, इन्हें बचाया जा सके। ये जो जितने भी शंख मैंने बताए, डिस्क्राइब किए, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 के तहत आता है। ये जो एक्ट है 1972 में से बनाया गया था, और इसमें जितने भी वाइल्ड लाइफ है, इंक्लूडिंग प्लांट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़, जैसे पहले टाइगर एक ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गया था, चीता एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गया था, तब भी इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया था। तो वैसे ही कुछ भी इंक्लूडिंग मरीन प्लांट स्पेशीज, एनिमल किंगडम, जो भी है, जो भी एंडेंजर्ड की लिस्ट में आता है, जैसे मतलब बहुत कम रह गए हैं वो, तो उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया की लिस्ट में डाला जाता है ताकि उसे कंजर्व किया जा सके। तो जस्ट यही थोड़ी सी जानकारी आपसे शेयर करनी थी। मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा कमेंट सेक्शन में, आप वो लिंक ओपन करके देख सकते हो ताकि आपकी भी जानकारी बढ़े कि कौन कौन से शंख है जो बैन आइटम्स में आते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम श्री कृष्णा है। मैं ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ बनाते रहूँगा शंखों से रिलेटेड एंड अदर स्पिरिचुअल टॉपिक से रिलेटेड, बात करते रहूँगा। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको मेरे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको थोड़ी जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।